Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Dani Zihan back at it again with a new video, baby. Okay, so my dad, please, आज भी हम एक brand new vlog के साथ वापस. So guys, आज हम क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, पता नहीं. But आज मेरे दिमाग में कुछ बहुत ही शैतानी हरकतें चल रही है इस चीज को लेके. तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसे लेके बाहर जाते हैं. गाइज मुझे पास में एक एरिया पता है, वहाँ जाके हम ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हैं, सीख सकते हैं. तो गाइज जो मैं करूँगा तुम लोगों को करने नहीं आना, बिकॉज मैं करूँगा तो मेरे पास में एक बंदा बैठा हुआ रहेगा और मैं पूरी सेफ्टी के साथ रहूँगा. तो बट मुझे मतलब मैं सीख रहा हूँ, मुझे सिखा रहा है प्रॉपर तरीके से, वो एक्सपर्ट है ये सब चीज़ के अंदर, तो मुझे सिखा रहा है. तो मैं नहीं चाहता तुम लोग ये सब करो जाके कहीं भी हाईवे वाईवे के ऊपर, जो जगह हमने जा रहे हो जगह बिल्कुल भी सेफ है, और वहाँ पर दूसरी ट्रक या बाइक कार वगैरह नहीं आती. सो वही, सो बहुत मज़ा आएगा डूड. तो चलते हैं देखते हैं. बाय द वे आज वहाँ जाने से पहले मैं तुम लोग कुछ बता दूँ. जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैंने मर्सिडीज का साइकिल मंगवाया है, बट मुझे गलती से प्राइम का साइकिल आ गया. तो गाइज मैंने वो साइकिल वापस करवा दिया, मैंने वापस नहीं कराया, उन्होंने खुद आके यहाँ से साइकिल वापस ले गई मेरा ब्लॉग देखने के बाद. एंड उन्होंने मर्सिडीज का साइकिल मुझे फाइनली भेज दिया, जो कि मैं तुम लोगों को अभी दिखाऊंगा. तो आओ मेरे साथ. एंड गाइज लिटरली वो मर्सिडीज का साइकिल, आई मीन ऑलमोस्ट वो साइकिल सेम है, खाली हल्का सा फ़र्क जो है वो उसके ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर है, इसके स्टैंड के अंदर है, एंड इसकी हाइट के अंदर है. थोड़ा सा इसका हाइट में उसका हाइट में फ़र्क है. तो अगर जिस दिन देख सकते हो, हम इसे उजाले में लेकर जाते हैं. तो अगर जिस दिन देख सकते हो, ये वो साइकिल है जो कि मैंने मंगाई थी एंड मुझे मिल गई, बिकॉज ये बहुत अच्छी लग रही है. अभी इसका हाइट थोड़ा कम है पहले वाली के मुकाबले, बट ये ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बट और कुछ भी नहीं. सो वही देख सकते हो, ये वो साइकिल है जो कि मैंने मंगवाई थी एंड मुझे प्राइम की आ गई थी, बट मैंने फिर से साइकिल मंगवा ली. बट इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, बट ये मस्त है भाई. मुझे जो साइकिल चाहिए थी वो साइकिल सेम है. सो अभी उन्होंने साइकिल देख ली, मैं साइकिल को फिर से खड़ी कर देता हूँ एंड हम जाते हैं करने. एंड गाइस प्लीज़ मेरा देखे, तुम लोग ऐसा मत करो. मैं नहीं चाहता किसी कोई 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 इंजर्ड हो या किसी कुछ लगे या कोई अपनी गाड़ी ठोक दे, बिकॉज मैं करता हूँ कुछ, मुझे मन नहीं करने का मन करता है. तुम भी करो, तुम्हें करने का मन करेगा, बट सेफ्टी के साथ करो. सो भाई बाय. Alright, so guys, don't try this at home. Sorry, घर पे अगर ट्राई करेंगे, don't try this at road. So guys, ये जो हम लोग जो भी कर रहे हैं, सब सीट बेल्ट वगैरह हर चीज़ लगी हुई थी, सब प्रॉपर था. एंड डूड बहुत दिन से मन कर रहा था मारने का, बहुत कितनी लंबी गई तुम लोग देख सकते हो डूड. यहाँ से पूरे टायर बंद करके वे पूरी वहाँ से वो एंड से खींचा मैंने पूरी गाड़ी, वो एंड से आगे पूरा फाटक, वो तुम लोग एंड वाली जो लास्ट वाली लाइन है. सो वही, सो गाइज प्लीज़ ऐसा मत करो अपने घर पर, गाड़ी में डायर बहुत महंगे आते हैं. सो भाई चलते हैं देखते हैं हम आगे क्या करते क्या नहीं. और एक सवाल, सभी हम लोगों ने जो भी किया, जो कुछ भी किया, ये सब बिल्कुल सेफ्टी के साथ किया एंड रोड वगैरह देख कर किया. ये हम लोग ने कोई हाईवे पर नहीं किया, कोई ऐसी जगह पर नहीं किया, हम लोग ने ऐसी जगह पर किया जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती है. सो प्लीज़ मुझे देख कर कोई ज़्यादा जोश में आके सब ना करें. मैं नहीं चाहता किसी को कुछ हार्म हो, बट फिर भी बट हमने जो भी किया फ़न के लिए किया. सो और सही सब जगह देख के किया एंड पूरी सेफ्टी के साथ किया. एंड मेरे साथ कार में एक जन बंदा बैठा भी था जो मुझे गाइड कर रहा था. सो वही ऑलराइट, सो गाइस उन्होंने बहुत मस्ती कर लिया. गाइस अब फिलहाल हम जा रहे हैं रॉयल टुलिप, बिकॉज जब मैंने हम स्टे किया था ना, तो मेरा एक स्पीकर घूम गया था डूड, जो मुझे तीन चार दिन से कंटिन्यूसली मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल रहा नहीं है. एंड वो स्पीकर के बिना मेरा म्यूजिकली नहीं बनता. तो डूड मैं अभी मैं जा रही हूँ होटल रूम में, बिकॉज देखने के लिए क्या मेरा स्पीकर वहाँ छूटा कि नहीं छूटा. आई मीन जहाँ तक मुझे पता है होटल में नहीं छूटा, होटल के काउंटर पर छूट गया होगा या स्टाफ के पास कहीं ना कहीं, बट रूम में नहीं था, बिकॉज रूम से मैंने स्पीकर लेके बाहर निकला था. तो मैं श्योर नहीं उस चीज़ को लेके,
तो अभी हम जाते हैं उस होटल में एंड उनसे पूछते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उस पिकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वही तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आए थे मेरा स्पीकर लेने के लिए, जो कि मैं भूल गया था एंड मैं दो दिन से उस स्पीकर कंटिन्यूसली ढूंढ रहा हूँ, उसमें म्यूजिकली मैं उस स्पीकर यूज़ करता हूँ एंड डूड मुझे लगा उस स्पीकर सच में कहीं ना कहीं घूम गया। बाद में मुझे हल्का सा क्लिक हो कि मुझे जाके होटल में पूछना चाहिए एंड मैंने यहाँ पर आके पूछा एंड वो स्पीकर में फिर से वापस मिल गया, आई मीन ये वाला स्पीकर। सो वही थैंक यू सो मच मेरा स्पीकर मुझे वापस देने के लिए, मैं फिर से आऊँगा इस होटल में। सो गाइस फिलहाल हम लोग को वीडियो बनाने के लिए कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, बिकॉज आज के लिए कोई कंटेंट ही नहीं डूड, हम लोगों ने सब तो कर लिया, ड्रेस मार लिया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, बट अभी फिलहाल हम लोग कंटेंट को जो मॉल में आ गए, कुछ पास कुछ नहीं करने को होता तो हम मॉल चले जाते। सो वही चलो चलते हैं देखिए क्या करने मिलता है क्या नहीं। सो वही व्हाट आर दिस गाइस अप टू, आगे बैठे एंड ना मैं यहाँ पर अच्छे से खा भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज पीछे ना कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग ऐसा मेरे को घूर रहे ना डूड, आई मीन मैं तुम लोग क्या बताऊँ, मैं कैमरा बजा के तुमको दिखा दो, इतना बुरी तरीके से लोग घूर रहे ना डूड, ऐसा मतलब लिटरली इनका चेयर ऐसा है बट वो लोग कैसे उल्टा बैठे ऐसे मेरे को देख रहे एकदम घूर के। बाय द वे मॉल के अंदर को वीआईपी पार्किंग है तो कोई इसी इसी ज़रूरत नहीं, सबसे पहली चीज़ तुम देख सकते हो हवा आ रही है माइक में बहुत ज़्यादा, सीधा उतरते में बेसमेंट में पार्किंग है ना डूड, सीधा मॉल के सामने स्टेयर से उतरे कार के अंदर बैठे सीधा घर। सो वीवीआईपी पार्किंग यो ग्राफर यो यो बन जाए यो यो हाय चलो चलते हैं देखते हैं हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। सो वही बाय द वे आज जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था मेरे सिर्फ बच्चे फैन नहीं है डूड, मेरे अंकल और आंटी भी फैन है जैसे कि तुम लोगों ने देखा। सो वही तो बात अभी बच्चों की नहीं आती है, बात यहाँ पर एडल्ट्स की आ रही है डूड। ओह माय गॉड यह सब दानी जैन सब ब्रो फैम ब्रो फैम ब्रो फैम ब्रो फैम ब्रो मेरे ही ट्रैक है फैम ब्रो मस्कत मस्कत अच्छा तो मस्कत में मेरा वीडियो देखते लोग सही है सब सब फैम ब्रो ये सी या ऑलराइट सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग मॉल से यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो ये व्लॉग रैप करने का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कार वॉश कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जब से मैंने अपनी कार ली है डूड मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार शैम्पू वॉश कराया है, जब मैंने अपनी कार को रैप कराया था उसके 10 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट के बाद ये बनने गई थी, बनने के बाद ये बन के आई थी तो मैंने सिर्फ पानी मार दिया था एंड सट गई थी एंड अभी 1 महीने बाद मैंने इसकी वॉश कराया था शैम्पू वॉश, सॉरी मैं इसे बहुत गंदा रखता हूँ बट ये बिल्लो मेरी है एंड उसके बाद अब ये 2nd बार वॉश होएगी। सो वही सो इस बार आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों को ब्लॉग में मज़ा आया होगा एंड मैं ऐसी ब्लॉग्स ड्रॉप करते रहूँगा एंड अगर तुम लोग ऐसी ब्लॉग चाहिए तो जाके प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो डूड, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो तुम लोगों ने फैम ब्रांड ज्वाइन नहीं किया तो जाके अगर तुम लोगों ने फैम ब्रांड ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, तुम लोग कर क्या रहे हो डूड, नीचे फैम ब्रांड मर्च का लिंक दिया है तुम जाके बाय कर सकते हो, लेजेंड रियली नेवर डाइज दानी जैन फैम ब्रांड आर्मी। सो वही व्हाट्सअप व्हाट्सअप फैम ब्रांड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेक्सी बेबी, थैंक यू सो मच रॉयल दिलीप मेरा स्पीकर ऑफिस देने के लिए।